पापा पाकिस्तान में थे तो मैं उनके खाने पर मुकम्मल नजर रखती थी। अब पता नहीं लंदन में क्या खाते पीते होंगे। नहीं पापा नहीं, मत खाएं ऐसे खाने, मैं आ रही हूँ, मैं आपको ये खाने नहीं खाने दूंगी। क्या हुआ बेगम, किससे बातें कर रही हो? सफदर, मुझे लग रहा है पापा लंदन में अय्याशी कर रहे हैं, मैंने उन्हें अभी लेग पीस खाते देखा है। ओ बेगम, ओ मियां साहब को वहाँ तो सुकून से रहने दो। मैं मेरा मतलब है, वो कह रहे थे शुक्र है मरियम बेटी मेरे साथ नहीं है, वरना वो मुझे दोबारा भड़का भड़का के पाकिस्तान वापस ले जाती। सफदर सफदर, अब सियासत मैंने करनी है, पापा ने नहीं। पापा ना आए तो मेरा मुस्तकबिल में वजीर आजम बनना बहुत मुश्किल है। मरियम साहबा, आपका नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त हुकूमत ने मुस्तरद कर दी है। लगता है हुकूमत भी नहीं चाहती कि पापा पाकिस्तान वापस आए, तभी तो मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। मुझे समझ नहीं आ रही, हम लंदन में रहेंगे कहाँ? लंदन तो क्या हमारी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो मेरा सियासी बयान था, और तुम भी तो सोचो कि मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ, तुम्हें तनख्वाह पर किस लिए रखा है? मैं तनख्वाह सोचने की नहीं लेता, बल्कि मैं सियासत से भी इसीलिए दूर हूँ कि मुझे कुछ सोचना समझना पड़े ही ना। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बेटा लंदन का एक टिकट दे दो। दादी हम अपना पासपोर्ट दिखाएं। दादी, खबरदार जो मुझे दादी कहा तो दादी होगी तेरी दादी, मैं तो भी। अच्छा चल कह लो दादी, ये लो पासपोर्ट। आपकी शक्ल मरियम नवाज से बहुत मिलती है। वो असल में रोज मरियम बेटी की तस्वीर अखबार में छपती है, तो उसको देख देख के मेरी शक्ल भी उस जैसी हो गई है। ये लें दादी अपना टिकट, जाएं। शुक्रिया बेटे, खुदा आपको सियासतदान बनाए। ओ दादी अम्मा, बद्दुआएं तो ना दें। बेगम बेगम, ये आपका सूट केस घर में रह गया था। एक मिनट, ये आपकी दादी की उम्र की खातून आपकी बेगम है? जी जी, वो मैंने बचपन में ही शादी कर ली थी ना जी, और मेरे जवान होने तक ये बूढ़ी हो गई है। आप कैप्टन सफदर है ना? हाँ, आपने कैसे पहचाना? लगता है मैं काफी मशहूर हो गया हूँ। एक मिनट, मरियम नवाज है। आपका नाम ईसीएल में, आप बाहर नहीं जा सकती। सफदर तुम घर चलो, बताती हूँ मैं तुम्हें। चले जी बेबी, आप आए मेरे साथ। मियां साहब मुबारक हो, काम हो गया। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।